द्रौपदी भगवान को पुकारा था जब दुशासन उनका चीर हरण करते थे, तो एक हाथ उठाया तो भगवान नहीं आए। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं आए कि द्रौपदी को अभिमान है कि एक हाथ से मैं अपनी रक्षा करूंगी। जब तक भगवान के मंदिर में दोनों हाथ उठा करके भगवान को नहीं बुलाओगे, नहीं पुकारोगे, तो परमात्मा मेरा गोविंद नारायण
आएगा नहीं। इसलिए एक बार दोनों हाथ उठा करके गोविंद की जयकारा लगाओ, क्योंकि परमात्मा यही है, आपके हृदय में विराजमान हो जाए। आज धनुष धनुर्मास के पावन पर्व पर अष्टलक्ष्मी देवालय की भांति आत्री गौदा रंगनाथ स्वामी का कल्याणोत्सव मनाया जा रहा है। इस विवाह में जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर के भगवान के विवाह में सम्मिलित होता है, भगवान की पूजा करता है, भगवान के गीत नृत्य आदि करता है, भगवान पर उस भक्त की कृपा, भगवान की हमेशा उस भक्त के ऊपर कृपा बनी रहती है और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और इस संसार में लौकिक सुख भोगते हुए अंत में वह साहित्य धाम परमात्मा के धाम को जाता है। और भगवान के विवाह कल्याणोत्सव में जो भक्त अपनी जिस प्रकार की मनोकामना लेकर के आते हैं, भगवान उस भक्त की वही मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसलिए प्रतिवर्ष की बात बड़े धूमधाम उत्सव से गोदा श्री रंगनाथ स्वामी का कल्याण उत्सव हो रहा है। आइए आप हम सभी मिल करके भगवान के कल्याण उत्सव का, विवाह उत्सव का आनंद लें। जय श्री राधे, जय श्री भंडारा गोविंदा।